माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पीडीएफ फाइल कैसे ऐड करें, कैसे डालें, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, ये मैंने रखी है। सबसे पहले आप एक्सेल ओपन करें और कोई भी एक सेल को सेलेक्ट कर लें। अब आपको रिबन वाले ऑप्शन में यहाँ पर इंसर्ट में चले जाना है। इंसर्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट का आइकन दिखाई देगा, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहां पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, आपके उसमें अडोबी एक्रोबैट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आपने अडोबी की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की होगी अपने पीसी में। तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की एप्लीकेशन में जाएं और अडोबी एक्रोबैट रीडर डीसी को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल करें तभी आपको ये अडोबी एक्रोबैट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करें, ओके करें एंड यहां पर आपको इस तरीके से अडोबी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करें, यहां पर हमारा पीडीएफ ये रहा, हम इस पे क्लिक करेंगे एंड इसे यहां से ओपन कर लेंगे। ऐसा आता है तो आप यहां से ये कट करें एंड आपका देखिए पीडीएफ ऐड हो जाएगा हमारे एक्सेल फाइल में। अब अगर आप एज अ आइकन पीडीएफ ऐड करना चाहते हैं, पीडीएफ को एज अ आइकन, तो वो भी कर सकते हैं। आपको सेम वहीं पर इंसर्ट में जाना है एंड टेक्स्ट के ऑप्शन पे यहां पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑब्जेक्ट में जाएं, यहां पर आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल इसमें चले जाना है। ब्राउज पे जाएं, पीडीएफ ढूंढ लें। तो डेस्कटॉप पे हमारा ये रहा पीडीएफ, क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करें। आपको डिस्प्ले एज आइकन इस ऑप्शन पे टिक करना है, ओके कर दें। तो यहां पर देखिए आपका डॉक्यूमेंट एज आइकन भी आ जाएगा, ठीक है।